हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वैकेंसी की पाठशाला। इस वीडियो में हम बात करेंगे वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे की तरफ से, यानी जो आपके WCR है उसकी तरफ से एक और यहाँ पे नई वैकेंसी निकल के आई है। तो न्यू वैकेंसी किसके लिए यहाँ पे निकल के आई है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, तो GDC की यहाँ पे NTPC की वैकेंसी निकल के आई थी। यहाँ पे स्टेशन मास्टर और यहाँ पे गुड्स गार्ड और इनके टाइपिंग्स के लिए पिछले मंथ ही वैकेंसी निकल के आई है। और यहाँ पे एक और यहाँ पे वैकेंसी निकल के आई है GDC नोटिफिकेशन 02/2022, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो किसके लिए यहाँ पे वैकेंसी निकल के आई है, तो आइए देख लेते हैं पूरा नोटिफिकेशन। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको WCR के ऑफिशियल साइट पे देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, ये रहा नोटिस, यहाँ पे आप देख सकते हो पश्चिम रेलवे प्रतिकोष्ठ पश्चिम मध्य रेलवे की तरफ से यहाँ पे नोटिस जारी किया गया है। तो यहाँ पे तीन के लिए, यहाँ पे तीन पोस्ट के लिए आपके रिक्वायरमेंट निकल के आई है 02/2022 GDC नोटिस। यहाँ एक तो जूनियर इंजीनियर के लिए, एक टेक्नीशियन के लिए, एक जो आपके मिस क्लेनेवर्स होता है उसके लिए, यहाँ पे जो मटेरियल वाली जो पोस्ट होती है उसके लिए यहाँ पे 22/7 की डेट में, यानी 22 जुलाई को आपका नोटिस निकल के आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कब से कब तक फॉर्म भर सकते हो, तो 22 जुलाई को नोटिस किया गया है। और यहाँ पे आप 26 जुलाई से लेके, मतलब इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 15 अगस्त है। तो 15 अगस्त आपकी इसकी लास्ट डेट है, तो अगर आप इसको भरना चाहते हो तो 15 अगस्त तक आप इसके फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ द जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिशन एग्जाम, जो आपकी GDC होता है उसी के लिए यहाँ पर निकाली गई है। तो जो भी GDC के छात्र हैं यहाँ पे वो देख सकते हैं, जो भी एम्प्लॉय है। और आगे बात करते हैं JEE कैटेगरी के लिए, यहाँ पे सबसे पहले जो तीन कैटेगरी के लिए पोस्ट निकली है JEE के लिए, जो आपके Level 6 वाली जो पोस्ट है, तो इसमें JEE वर्क के जूनियर इंजीनियर वर्क्स के लिए यहाँ पे जो पेमेंट होगा यहाँ पे 35,400। मेडिकल B1 होगा इनका। अनरिजर्व के लिए 5 पोस्ट है, SC के लिए 2 पोस्ट है, ST के लिए 1 पोस्ट है, OBC के लिए यहाँ पे 3 पोस्ट है। टोटल 11 पोस्ट निकली गई है वर्ष के लिए। JEE ड्राइंग डिजाइन एंड एस्टिमेशन के लिए यहाँ पे 3500 वही पोस्ट है, और C1 इनका मेडिकल होगा। और यहाँ पे टोटल आपके 13 पोस्ट दी गई है एस्टिमेशन और डिजाइन के लिए। JEE यहाँ पे TM के लिए, यहाँ पे जो आपके TM होता है उसके लिए यहाँ पे Level 6 की जो आपको पेमेंट देने वाले, इसमें A3 आपका मेडिकल होने वाला है। और टोटल पोस्ट इसमें 28 निकाली गई है। अनरिजर्व की यहाँ पे 14 है, SC की आपके 4 है, ST की यहाँ पे 2 दी गई है, और OBC की यहाँ पे 8 दी गई है। टोटल आपके 52 पोस्ट आपके जूनियर इंजीनियर के लिए यहाँ पे निकाली गई है। तो अगर आप इसके लिए बनना चाहते हैं जरूर भरिएगा। आगे बात करेंगे क्वालिफिकेशन के बारे में भी। अगले बी पॉइंट पे दिया गया टेक्नीशियन कैटेगरी के लिए, यहाँ पे सबसे पहले कैटेगरी नंबर 4 में यहाँ पे जो आपको टेक्नीशियन Grade 3 मैकेनिकल की बात करें, तो मैकेनिकल के लिए यहाँ पे 7 लेवल पे जो आपका 7 होगा उसमें आपको कैटेगरी नंबर 2 में 1900 यहाँ पे आपका पेमेंट रहने वाला है, 19900 आपका पेमेंट रहने वाला है। B1 इसमें मेडिकल होगा, सभी पोस्ट के लिए B1 ही होगा। और यहाँ पर टोटल जो पोस्ट दी गई है मैकेनिकल के लिए वो 10 पोस्ट दी गई कैटेगरी वाइज, आप इसको देख लेना। टेक्नीशियन Grade 3 यहाँ पे OH यानी जो ओवर हेड लाइन वाला होता है और TRD वाला होता है उसके लिए भी यहाँ पर टोटल आपके 5 पोस्ट दी गई है। और टेक्नीशियन Grade 3 में आपके इलेक्ट्रिकल की बात करें, इलेक्ट्रिकल में आपके B1 इसमें मेडिकल होगा, अनरिजर्व की 5 है, और यहाँ पे OBC की 1 पोस्ट दी गई है। टोटल आपके 6 पोस्ट दी गई इलेक्ट्रिकल के। टेक्नीशियन Grade 3 TRS के लिए भी यहाँ पे आपके 14 पोस्ट दी गई है, सबसे ज़्यादा इसी के लिए दी गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी आपकी ट्रेड है उसके अनुसार आप इसको फिल कर देना। टोटल यहाँ पे आपके 35 पोस्ट दी गई है, 35 पोस्ट इसके लिए, 52 पोस्ट जूनियर इंजीनियर के लिए। आगे बात करें सो फ्रेंड्स, इसमें आपके आगे जो दिया गया है मिसलेनियस के लिए, मतलब कई तरह की आपके इसमें पोस्ट दी गई है। तो मिसलेनियस कैटेगरी में आपके जो टोटल जो कैटेगरी नंबर 8, 9 और 10 के लिए यहाँ पे चीफ लॉ असिस्टेंट के लिए यहाँ पे Level 6 का आपका पेमेंट, 7 का आपका पेमेंट रहेगा, 44 से सबसे ज़्यादा सीखा है, 44,900 आपके। C1 इसमें मेडिकल होगा, टोटल आपकी 4 पोस्ट दी गई है। स्टाफ नर्स की बात करें तो इसमें भी आपके Level 7 का पेमेंट रहने वाला है यहाँ पे 7 और 44,000 रुपये। C1 इसमें मेडिकल होगा, टोटल पोस्ट इसकी भी 4 दी गई है। जूनियर ट्रांसलेट की बात करें तो इसमें Level 6 का पेमेंट होगा, CPC आपका 7 रहेगा पर Level 6 का पेमेंट होगा। टोटल पोस्ट इसकी भी आपके हैं, इसमें C2 आपका मेडिकल होगा, टोटल पोस्ट यहीं पर 7 दी गई है, और 15 यहाँ पे टोटल पोस्ट दी गई है मिसलेनियस कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अलग अलग कैटेगरी अलग अलग वाइज दी गई है, तो आप जिस कैटेगरी के भी बनना चाहते हैं यहाँ पर, टेक्नीशियन के लिए, जूनियर इंजीनियर के लिए या फिर आपके मिसलेनियस, तो टोटल इसमें आपके 102 पोस्ट निकाली गई है यहाँ पर जूनियर इंजीनियर के लिए और टेक्नीशियन के लिए, और बाकी मिसलेनियस के लिए यहाँ पर देख सकते हो।
आगे बात करें तो यहाँ पे नोट दिया गया डिटेल पोस्ट पैरामीटर क्वालिफिकेशन मेडिकल सुटेबिलिटी फॉर द जो आपके एनएजरे 1 में दिया गया है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस वाली साइट पे जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हो। आगे बात करें तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यहाँ पे दिया गया है, तो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आप कोई भी चीज़ नहीं कर सकते, क्या क्या चीज़ इसमें बेन है। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपके स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पे देर आर द सिंगल स्टेज, यहाँ पे एक ही कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा इसमें फोल बाय द, उसके बाद में यहाँ पे स्किल टेस्ट लिया जाएगा, जो आपका ट्रांसलेटर जूनियर ट्रांसलेटर उसके लिए यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट ट्रांसलेशन टेस्ट लिया जाएगा, वेर एप्लीकेबल जब भी रहेगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कॉल ऑफ लेटर, यहाँ पे देख सकते कैंडिडेट विल हैव टू डाउनलोड ई कॉल लेटर, सिटी, डेट, एग्जामिनेशन, इंटीमेशन एंड ट्रैवल अथॉरिटी वे जब भी आप उपलब्ध रहेगा फ्रॉम द लिंक प्रोवाइड ऑन द ऑफिशियल साइट पे आपको मिल जाएगा। जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए, इसको आप पढ़ लेना, इसके PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आगे सारी चीज़ें दी गई, इसको एक बार आप पढ़ लेना अप्लाई करने से पहले। और आगे बात कर डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी पब्लिश, यहाँ पे जो एग्ज़ाम की डेट है वो आपको WCR की वेबसाइट पे पब्लिश कर दी जाएगी, तो जब भी आएगी वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब बात करते हैं इसमें एज लिमिट कितना रहने वाला है, तो एज लिमिट इसकी जो आपकी रहने वाली है वो रहेगी 18 से लेके, अनरिजर्व की जो रहेगी यहाँ पे 18 से लेके 42 साल के बीच में रहेगी, और OBC की रहेगी 18 से लेके 45 साल, ST वालों की रहेगी 18 से लेके 47 साल, तो इसके बीच में अगर आपके एज है तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। एसेसिंग क्वालिफिकेशन दी, कैंडिडेट शुड हैव द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंडिकेट द पोस्ट ऑफ, यहाँ पे JDC दिए गए रिकोगनाइज बोर्ड यहाँ से, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ द क्लोजिंग ऑनलाइन सबमिशन आगे दिए गए हैं, उसको हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या क्वालिफिकेशन दी गई है, तो इसमें अलग अलग का अलग अलग दिए गए, इसको आप देख लेना। रिक्वायरमेंट प्रोसेस दिया गया है, नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, तो इसमें आपके जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपके 1/3 आपके इसमें नेगेटिव मार्किंग ली जाएगी, तो उसी के अनुसार आप अपना पेपर करें कि एक क्वेश्चन के लिए आपके 3 क्वेश्चन के लिए 1 मार्क इसमें कटा जाएगा। और रिक्वायरमेंट प्रोसेस की बात करें JEE के लिए, तो JEE पोस्ट के लिए आपके इसमें 120 मिनट मिलेंगे PWD के, 90 मिनट मतलब 1.5 घंटे का आपका इसमें पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आपके होंगे इसमें, तो 100 क्वेश्चन में क्या क्या रहेंगे जूनियर इंजीनियर के लिए, तो सबसे पहले जो सिलेबस दिया गया है सिलेबस यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस यानी MCQ टाइप रहेंगे, इसमें आपके जनरल अवेयरनेस आएगी, फिजिक्स आएगी, केमिस्ट्री आएगी, बेसिक ऑफ कंप्यूटर यानी आपके IT भी आएगी थोड़ी बहुत, एप्लीकेशन बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल, टेक्निकल एबिलिटी, द पोस्ट ऑफ सारी चीज़ें दी गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें आपके जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी, तो जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पूछा जाएगा इसको आप देख सकते हो, इसका भी एक वीडियो बना दूंगा क्या क्या रहने वाला है इसमें पोस्ट वाइज। फिजिक्स आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री 10th स्टैंडर्ड की CBSE वाली पूछी जाएगी इसमें, और कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन जो आपके कंप्यूटर के थोड़ी बहुत नॉलेज हो आपके यहाँ पे पूछी जाएगी, बेसिक इन्वायरमेंट और पॉल्यूशन के लिए भी यहाँ पे पूछा जाएगा जो आपके इकोनॉमी वाला पार्ट है, टेक्निकल एलिबिलिटी जो आपके यहाँ पे दिया गया है टेक्निकल के आपके जो क्वेश्चन आएंगे इसमें 66 क्वेश्चन आएंगे आपके, और बाकी 10 क्वेश्चन आपके GK के रहेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन कंप्यूटर के, 7 क्वेश्चन इन्वायरमेंट के और पोल्यूशन के, टोटल तो आपके 100 क्वेश्चन का आपका ये पेपर ले जाएगा। टेक्निकल नॉलेज में जो आपके जो भी आपके ट्रेड है मैकेनिकल है, तो मैकेनिकल इस क्वेश्चन आएंगे आप जो आपके जो भी आपने डिप्लोमा डिग्री कर रखा है उसके अनुसार ही। आगे बात करें तो यहाँ पे जो डिसिप्लिन ट्रेड रहने वाली ग्रुप में आप देख सकते हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड अलायंस, जो आपकी इंजीनियरिंग है उसमें आपके कौन कौन से ट्रेड आती है, तो मैकेनिकल की आती है, प्रोडक्शन की आती है, ऑटो इंजीनियरिंग की आती है, कॉम्बिनेशन ऑफ द सम बेसिक स्ट्रीम, तो ये आपके मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आती है, और यहाँ पे कंबाइंड सब स्ट्रीम बेसिक इंजीनियरिंग आ जाती है, और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आती है अलग से, तो इसमें मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल लाइन जो भी यहाँ पे, और BSc या तो इन सिविल इंजीनियरिंग 3 साल का आपने डिप्लोमा कर रखा हो तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो जूनियर इंजीनियर के लिए। टेक्नीशियन की पोस्ट की बात करें तो इसमें आपके 2 घंटे 30 मिनट का आपका पेपर होने वाला है, पार्ट ए और पार्ट बी इसमें आपके रहने वाला है, तो उसी के अनुसार आप इसमें देना। तो यहाँ पे बात करें तो इसमें 90 मिनट यहाँ पे देख सकते हैं, 90 मिनट तो आपके पार्ट ए के लिए रहेगा जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, और पार्ट बी में आपके CLB ये सिलेबस दिया गया है उसी के अनुसार, मैथमेटिक आएगी सारा सिलेबस दिया गया है मैथ का, जनरल रीजनिंग और इंटेलिजेंस आएंगी, रीजनिंग आएगी मतलब बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग WCS आएगी इसमें पूरी आपकी, WCS जो आपकी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस होती है वो आएगी, और GK और करंट अफेयर भी पूछे जाएंगे, जो आपके पहला जो होगा उसमें 100 नंबर के होंगे, और उसके बाद में
अगला जो होगा 75 नंबर का आपके इसमें पूछा जाएगा, तो आप इसमें देख सकते हो पार्ट बी जो आपका दिया गया है इसमें। पार्ट बी के लिए आपको 60 मिनट मिलेंगे, मतलब 1 घंटे में आपको 75 क्वेश्चन करने पड़ेंगे जो आपके ट्रेड से रिलेटेड है, वो इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो DGT ने अपनी ऑफिशियल साइट पे दे रखे, मतलब जो ITI में पूछे जाते हैं ना वही आपके इसमें पूछे जाएंगे। बात करें इसमें 75% आपको लाना अनिवार्य, मतलब 35% लाना अनिवार्य, मतलब 75 में से आपको 35% आपको लाना अनिवार्य, तभी आप इसमें पास होंगे जो आपकी कैटेगरी 2 है। रिक्वायरमेंट ऑफ द मिस क्लीनियर्स के लिए यहाँ पे जो आपके चीफ लॉ असिस्टेंट है उसके लिए भी यहाँ पे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 120 मिनट आपको PWD के लिए और 90 मिनट और नॉर्मल के लिए यहाँ पे मिलेगा टाइम। और द यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन रहेंगे आगे सेक्शन वाइज इसमें डाटा दिया गया है, तो यहाँ पे प्रोफेशनल एबिलिटी जो आपके प्रोफेशनल से जो पूछ ट्रेड से रिलेटेड जो पूछे जाएंगे आप देख सकते हो 50, और जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चन, जनरल रीजनिंग से यहाँ पे 15 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से 15, साइंस से 15, टोटल आपके 100 नंबर का इसमें पेपर होगा जो आपकी असिस्टेंट की पोस्ट दी गई है यहाँ पे आप देख सकते हो चीफ लॉ असिस्टेंट। मैथमेटिक्स का यहाँ पे दिया गया सिलेबस, जनरल इंटेलिजेंस सभी का यहाँ पे इसमें सिलेबस दिया गया। जूनियर ट्रांसलेटर की बात करें तो इसमें एक सिंगल स्टेज आपका एग्जामिनेशन होगा, क्वालिफाइंग द टेस्ट, उसके बाद ट्रांसलेट होगा जिसमें आपके एटलीस्ट 50% क्वेश्चन डिजाइन द टेस्ट लैंग्वेज और 20 माइनस यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेट इसको कर सकते हो। तो ट्रांसलेट के लिए फिर आपको टेस्ट लिया जाएगा, उसी के अनुसार इसमें दिए गए हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको पेपर रहेगा। इसमें आपके क्या क्या पूछे जाएगा ट्रांसलेटर के लिए, GK पूछी जाएगी, रीजनिंग, सिंपल अर्थमेटिक और बेसिक कंप्यूटर वाल पूछा जाएगा ट्रांसलेटर के लिए। उसके बाद में ट्रांसलेटर का टेस्ट होगा, उसके बाद में द ट्रांसलेटर सेल बी ओनली क्वालिफाइंग टेस्ट, क्वालिफाइंग मार्क्स सेल बी 60% होने चाहिए आपके क्वालिफाइंग मार्क्स। और आगे इसमें दिया गया है तो मेरिट ऑफ जूनियर ट्रांसलेटर विल बी बेस्ड ऑन द मार्क ऑफ सिविटी, मतलब 60% मार्क्स से आपके वो आपके इसी से पूछे जाएंगे, मतलब जो आपके ट्रांसलेटिंग का जो टेस्ट लिया जाएगा उसी से होंगे आपके। सिलेबस दिया गया ट्रांसलेटर के लिए, उसके बाद नर्सिंग स्टाफ के लिए भी आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, 90 मिनट में आपको करने पड़ेंगे। सिलेबस दिया गया इसमें भी आप देख सकते हो 70 क्वेश्चन आपके जो नर्सिंग से रिलेटेड है वो होंगे, और यहाँ पे 10 क्वेश्चन GK से और मैथ, तो और यहाँ पे रीजनिंग के भी 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन साइंस के, टोटल आपके 100 नंबर का पेपर रहेगा। नॉर्मलाइजेशन इसमें होगा आपके शॉर्ट लिस्टिंग, अलग अलग शिफ्टों में पेपर होगा तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा इसमें, वही आपके नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला दिया गया है और इसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हो सारी चीज़ें इसमें दी गई है, उसका भी अलग से वीडियो बना दूंगा कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो यही दे रखा है, इसको सारा पढ़ लेना है एक बार आप अप्लाई करने से पहले, बहुत बड़ा दे रखा है ये कि कैसे अप्लाई कर सकते हो, कैसे बस कि कास्ट का सर्टिफिकेट दे रखा है, तो इसको भी आप डाउनलोड कर लेना और इसको भर लेना। आगे बात करें तो इसमें ये आपके पूरा कास्ट सभी कास्ट का सर्टिफिकेट दिया गया है, और ये आपके जो भी इंजीनियरिंग JEE का यहाँ पे पूरा सिलेबस दिया गया है, जो आपके टेक्निकल पार्ट है उसमें तो सिविल का दिया गया है, उसके बाद में यहाँ पे सिविल के बाद में दिया गया है यहाँ पे लाइन ऑफ मैकेनिकल का दिया गया है, तो इसको आप देख लेना एक बार। थर्मल सारी चीज़ें इसमें दी गई है, उसके बाद में सब्जेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल का भी दिया गया है, तो इसको भी आप देख लेना, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी दिया गया है, जो भी आपके ट्रेड उसमें देख लेना। उसके बाद में चीफ लॉ असिस्टेंट के यहाँ पर दिए गए कि कौन से ट्रेड से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आपको 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आगे लॉ ऑफ टोर्ट से यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन, तो सभी का दिया गया कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो अच्छी बात है आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सा महत्वपूर्ण है, यहाँ पे 50 नंबर का आपका ये पेपर होगा। और आगे ट्रांसलेटर के लिए भी ये दिए गए क्या क्या पूछा जाएगा, तो इसको आप एक बार देख लेना, और इसका मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और आगे बात करें तो इसमें पोस्ट पैरामीटर भी दिए गए हैं JEE वर्क के लिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन है यहाँ पे आप देख सकते हो डिप्लोमा, तो JEE वर्क के लिए आपको इसमें सिविल में डिप्लोमा चाहिए या BSc कर रखी है आपने तो भर सकते हो, कंबाइंड इसमें डिप्लोमा चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। और आगे दिया गया है एस्टिमेशन में JETM में मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक किसी में भी, मतलब आपने डिप्लोमा कर रखा हो JEE इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स किसी भी चीज़ में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। टेक्नीशियन के लिए आपको आप 10th पास होने चाहिए, ITI होने चाहिए आपके पास फिटर में, कारपेंटर में, वेल्डर में, प्लम्बर में, पाइप फिटिंग में, और 11th ट्रेड आपके पास अप्रेंटिस है तो भी कर सकते हो, मतलब जो आपको मैकेनिकल वाली पोस्ट है उसके लिए। और आगे बात करते हैं आप इलेक्ट्रिक जो आपकी OH वाली पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल वाली पोस्ट में आपके ITI चाहिए आपको इलेक्ट्रीशियन में, और 10th पास चाहिए। और यहाँ पर TRS वाले में भी आपको इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल किसी में भी आपने ITI कर रखी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, यही इसमें दे रखा है, तो ये आप देख सकते हो।
चीफ वाली पोस्ट में आपको डिग्री चाहिए 3 साल की, और उसके बाद जूनियर ट्रांसलेटर के लिए भी आपको डिग्री चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में किसी में भी आपने कर रखी है। नर्स सर्टिफिकेट में बात करें तो इसमें आपको सर्टिफिकेट चाहिए नर्स मिडवाइफ, जो आपके हैविंग पास्ट जो 3 साल का जो कोर्स होता है वो आपने पास कर रखा हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यही था इस वीडियो में, मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा कि आप किसके फॉर्म कैसे अप्लाई करते हो कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो ये आपके नर्स का भी कोर्स ये पूरा कोर्स दे रखा है, मतलब क्या क्या सिलेबस आने वाला है, तो इसको भी आप देख लेना, और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।